नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की ये जो क्लास है स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए है जिनका अकाउंटिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने जॉब के लिए कंपनी के अंदर अप्लाई भी कर दिया है अपना रिज्यूम को। तो जब भी उनका नंबर आएगा इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान कुछ उनसे अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक बातें और कुछ एडवांस बातें भी पूछी जाएगी, क्योंकि हर एक कंपनी को एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की जरूरत होती है। तो कुछ बेसिक बातें इसलिए पूछी जाती है भी उनको पता चल सके भी आपने जो अकाउंटिंग कोर्स किया है वो किस लेवल का किया है, और एडवांस लेवल की बातें इसलिए पूछी जाती है ताकि उनको पता चल सके भी ये हमारी कंपनी के जो टैक्सेशन से रिलेटेड वर्किंग है जो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा भी अगर आपको कुछ इस तरीके का वाउचर दे के और इस वाउचर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बातें आपसे पूछ ली जाए कि आप इस वाउचर से हमें जर्नल एंट्री बना के दिखाओ, लेजर क्रिएट करके दिखाओ कौन कौन से लेजर क्रिएट होंगे, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा इस वाउचर से, और फाइनलाइजेशन इसका रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा। तो यानी कि ये चार ऐसी सिंपल से बातें हैं, इसके अंदर दो सिंपल बातें हैं और कुछ दो एडवांस बातें भी हैं। अगर आपने ये चारों बातें अच्छी तरीके से उनको प्रैक्टिकल तरीके से करके बता दी तो आपका लेवल, इसका मतलब आपने एक अच्छी तरीके से अकाउंटिंग को सीखा है, एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट के अंडर में आपने वो अकाउंटिंग कोर्स है जो कंप्लीट किए। पूरा वीडियो प्रैक्टिकल रहेगा, सारी बातें हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे भी जर्नल एंट्री आपको किस तरीके से क्रिएट करनी है। अगर आपको ऑलरेडी ये सारी बातें आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो आपको नहीं पता है भी वाउचर को देख के हमें किस तरीके से ये सारी बातें हमें करनी होती है तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक वाउचर है। अब ये वाउचर आप यहाँ देख सकते हो, इस वाउचर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें हैं जो वाउचर को देख के आपको पता लगानी है, क्योंकि वाउचर के ऊपर ये नहीं लिखा होगा भी आपने ये गुड्स परचेज किए या सेल किए, वो बातें आपको अपने लेवल पे ध्यान रखनी है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ, ठीक है ना। अब ये टैक्स इनवॉइस लिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भी ये गुड्स बेचने का वाउचर है, ठीक है। एक बात क्लियर होगी आपकी यहाँ की, यानी कि इस वाउचर के थ्रू गुड्स है जो सेल हुए हैं। अब सेल हुए हैं, अब बात आएगी भी जब आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पर ये कंडीशंस लागू कौन सी होती है, सेल की हो रही है या इस वाउचर से परचेज की हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ भी ये सेल वाउचर है या परचेज वाउचर है। टैक्स इनवॉइस का मतलब हो गया ये गुड्स सेल हुआ है। अब सेल किसने किया है, विजय ट्रेडिंग कंपनी ने, किसको किया है, एबीसी ट्रेडर्स को। तो अब इसका मतलब क्या बन गया भी अगर आप विजय ट्रेडिंग कंपनी की कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इसका मतलब ये आपकी तरफ से सेल इनवॉइस बन रहा है। अगर आप एबीसी ट्रेडर्स कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो तो इसका मतलब आपकी कंपनी के लिए, यानी कि एबीसी ट्रेडर्स कंपनी के लिए ये परचेज का रिकॉर्ड बन रहा है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं एबीसी ट्रेडर्स का, हम यही मान के चल रहे हैं हम एबीसी ट्रेडर्स के अंदर इसका इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब एक बात हमारे लिए क्लियर होगी भी हमने गुड्स है जो परचेज की है, किससे की है, विजय ट्रेडिंग कंपनी से। हम इसको थोड़ा सा डीपली चलते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो भी यहाँ इसके अंदर कुछ टैक्सेबल अमाउंट दिख रही है, सीजीएसटी दिख रहा है, एजीटी दिख रहा है, और यहाँ पर आपको ये टोटल अमाउंट भी दिख रही है। पूरा वीडियो प्रैक्टिकल है, अच्छी तरीके से हम आपको एक एक बातें बताएंगे, इस वीडियो का पूरा देख लेना। अब हम चलते हैं सबसे हमारा जो पहला पॉइंट था भी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। लेकिन जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमें पता लग गया इस बात का भी हमारी जो कंपनी है वो कौन सी है, एबीसी ट्रेडर्स। तो सबसे पहले इसका मतलब हमने गुड्स है जो परचेज की है, किससे किए, विजय ट्रेडिंग कंपनी से। तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और जर्नल एंट्री की कंडीशंस क्या होती है, जो गोल्डन रूल्स होता है उसकी कहानी क्या होती है भी अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। और हमारा जो सप्लायर्स है यानी कि जिससे हमने गुड्स खरीदा है वो सप्लायर्स हमारा क्रेडिट होता है। तो अब अपने चलते हैं जर्नल एंट्री में। सबसे पहले
तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जो मेंटेन कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, एबीसी ट्रेडर्स के कर रहे हैं। तो वाउचर को हम चलते हैं, तो सबसे पहले हमें वाउचर की डेट देखनी है। डेट आप देख सकते हो यहाँ पर 20/4/2024 यानी कि 20 अप्रैल 2024 की डेट आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट के कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे, 20 अप्रैल 2024 की। अब पर्टिकुलर्स का मतलब हो गया भी आप इस वाउचर से रिलेटेड अपनी डिटेल्स लिखो। और इस वाउचर की अगर अपने बात करें तो इस वाउचर के अंदर हमारे पास में दो टाइप की गुड्स हमने परचेज की है, आप देख सकते हो, एक 12% का और एक 18% का। दो टाइप के गुड्स हमने परचेज किए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12% की परचेज हमें डेबिट करनी पड़ेगी। आप 18 कर लो 12 कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परचेज हमारी डेबिट रहेगी। तो हम यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखने वाले हैं इसकी, जीएसटी 12% गुड्स परचेज, ठीक है ना। अब हमारी गुड्स की जो 12% की जो परचेज है वो अकाउंट हमारा डेबिट होगा। अब यहाँ पर हमें डेबिट की अमाउंट लिखनी भी, 12% का आपका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारे पास इस वाउचर के अंदर जो 2 है, तो हम दोनों को एक बार यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेटर के लिए हम कैलकुलेटर को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और 12% की अमाउंट, एक आप देख सकते हो 54,719.64 रुपये और एक है 2700 रुपये की, यानी कि 57,419.64 रुपये। तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है 57,419.64 रुपये, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे 18% का अकाउंट भी डेबिट होगा, जीएसटी 18% परचेज का अकाउंट हमारा डेबिट है। अगर हम परचेज की वैल्यू देखें 18% की, तो 33,375.42 रुपये की है, 33,375.42 रुपये की। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 33,375.42 रुपये की, ठीक है। अब हमारा ये तो था परचेज, परचेज हमारी डेबिट होगी। अब इसके अंदर हमने टैक्स भी पे किए हैं, ठीक है ना। अब टैक्स पे किया इसका मतलब क्या हो गया, 6,448.97 रुपये का टैक्स हमने सीजीएसटी पे किया है, और सेम अमाउंट हमने एसजीएसटी टैक्स को भी पे किया हुआ है, तो ये टैक्स अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा। तो लेजर क्या इसका बनने वाला है, सीजीएसटी टैक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, इसको हमारा जो टैक्स का अकाउंट है जो डेबिट होगा, और अमाउंट हमारी रहेगी 6,448.97 रुपये, 6,448.97 रुपये, और सेम हमारा एसजीएसटी का जो अकाउंट है वो भी हमारा अकाउंट है जो डेबिट होगा, एसजीएसटी टैक्स है जो वो भी डेबिट रहेगा, अमाउंट हमारी बिल्कुल सेम रहेगी 6,448.97 रुपये का। और अब हमारा जो सप्लायर्स है उसको हम करने वाले हैं क्रेडिट। अब हमारा सप्लायर्स कौन है यहाँ पे, विजय ट्रेडिंग कंपनी का, तो हम इसको क्या करेंगे, टू विजय ट्रेडिंग कंपनी। अब इस सप्लायर्स को हम क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से, जितनी इसकी टोटल अमाउंट आ रही है 1,03,693 रुपये का, 1,03,693 रुपये का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा सप्लायर्स है, इसको हमने पेमेंट है जो ये जो करनी है 1,03,693 रुपये की। अब ये हमारा एक क्वेश्चन था जर्नल एंट्री बनाने का। अब ये जो जर्नल एंट्री बनाने की जो कहानी थी वो हमारी अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आएगी भी आपको लेजर क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब लेजर क्रिएट करने के लिए क्या हो गया, जो हमने जर्नल एंट्री तैयार करी थी यहाँ पर, ये वाली ये हमारी जो जर्नल एंट्री हमने क्रिएट करी है, ये सारे के सारे हमने लेजर क्रिएट करने होते हैं। अब ये जीएसटी 12% का भी लेजर हमारा क्रिएट होगा, 18% का भी होगा, सीजीएसटी टैक्स का भी होगा, एसजीएसटी का भी होगा, और विजय ट्रेडिंग कंपनी का भी होगा।
तो ये 5 अकाउंट ब्लेजर हमें क्रिएट करने हैं। तो ब्लेजर हमने यहाँ पर एक्सेल के अंदर तैयार किए हुए हैं। अब इसकी अमाउंट आपको किस तरीके से लिखने वो हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है ब्लेजर विजय ट्रेडिंग कंपनी का, GST 12% गुड्स हमने परचेज करी है, 18% गुड्स परचेज करी है, CGST का टैक्स और SGST का टैक्स है। तो सबसे पहले हम इस जर्नल एंट्री से देखें तो पहला ब्लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं विजय ट्रेडिंग का। तो विजय ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट के अंदर क्या रहेगा, 1,03,693 रुपये जितनी इसकी टोटल अमाउंट है वो अमाउंट इसके क्रेडिट के कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो लेजर क्रिएट किए थे यहाँ पे GST 12% गुड्स का, तो 57,419.64 रुपये, तो 57,419.64 रुपये ये 12% का अकाउंट डेबिट हो गया। अब एक हमने 18% का लेजर भी हमने डेबिट किया है, 33,375.42 रुपये का, तो 33,375.42 रुपये का। और इसके साथ साथ आपने CGST अकाउंट को भी डेबिट किया था 6,648.97 रुपये, तो 6,648.97 रुपये। और SGST का अकाउंट भी हमने डेबिट किया था। अब बात आएगी हम इनके पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे। तो पर्टिकुलर्स के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसका एक नरेशन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी। इसका जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब इसका जो इनवॉइस नंबर 357, ठीक है, ये 357 इनवॉइस नंबर है, इसके अंदर हम लिखेंगे। अब वापस हम चलते हैं एक्सेल पे। ठीक है, डेट हम यहाँ पे लिखते हैं, डेट हम डालते हैं 20/4 की एंट्री है ये। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे गुड्स हमने परचेज किया हुआ, इसका गुड्स परचेज विद इनवॉइस नंबर 357, ताकि हमें पता चले भी गुड्स परचेज 357 नंबर इनवॉइस था। और सेम यहाँ पर ये डेट इस कॉलम के अंदर भी आएगी 12% वाले कॉलम में, और पर्टिकुलर्स के अंदर लिखेंगे ये हमने गुड्स परचेज किया तो किसे किया हमने, विजय ट्रेडिंग कंपनी से। ठीक है, मैं शॉर्टकट नाम लिख रहा हूँ, और यहाँ पर इसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा 357। इसी तरीके से सेम 18% के अंदर भी हमने गुड्स परचेज किया किसे, विजय ट्रेडिंग कंपनी से, इनवॉइस इसका 357 है। सेम इसी तरीके से ये हमने टैक्स पे किया है, किसको किया है, विजय ट्रेडिंग कंपनी को वाले इनवॉइस के अंदर हमने 357 नंबर इनवॉइस के अंदर। इसी तरीके से SGST वाला जो लेजर है इसके अंदर भी हमने ये 357 नंबर इनवॉइस के अंदर हम टैक्स है जो पे करके आए। डेट सभी के अंदर 20/4/2024 की आ जाएगी। अब हम चलते हैं वापस, जो हमारा क्वेश्चन था भी जर्नल एंट्री हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, उसके बाद में इन जर्नल एंट्री की जो हमारी जो पोस्टिंग थी वो पोस्टिंग हमने यहाँ पर भी कर दी है लेजर क्रिएट करके। ठीक है, सभी के अलग अलग हमने लेजर क्रिएट कर दिए। तो अब लेजर क्रिएट करने के बाद क्या होगा, अगला पॉइंट हमारा से पूछा जा रहा है भी GST का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है ना, अब GST का इम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया भी, अब यहाँ पर जो हमने टैक्स पे किया है अब इस टैक्स का क्या बनेगा, इम्पैक्ट क्या रहेगा, अब ये हमारी कंपनी के लिए क्या चीज़ है, ये हमारी कंपनी के लिए क्या लाइबिलिटी है या फिर ये पेबल, मतलब लाइबिलिटी है या फिर ये हमारा ये एसेट्स है यानी कि इनपुट है। तो अब इसका मतलब आ गया भी हमने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, और गुड्स अगर हमने परचेज करते हैं तो हम टैक्स है जो पे करके आते हैं, क्योंकि हम इस सप्लायर्स को टोटल अमाउंट हम ये पे कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आ गया इसके अंदर हमने गुड्स की वैल्यू और ये टैक्स दोनों हमने इसके अंदर पे किए हैं। तो अब सीधा सीधा मतलब बन गया भी ये जो टैक्स है ये टैक्स हमारे लिए ITC है, हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो क्लेम इसका करेंगे। तो अगर इम्पैक्ट का मतलब ये हमारे कंपनी के लिए ITC है 6,448.97 रुपये, CGST के हेड के अंदर, और 6,448.97 रुपये SGST हेड के अंदर। अब आपका ये दो नंबर क्वेश्चन है जो क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात, तीन नंबर भी क्लियर हो गया। अब बात आएगी फाइनलाइजेशन अकाउंट की। तो फाइनलाइजेशन अकाउंट्स का मतलब बन गया भी आप इस वाउचर को देख के पूरा फाइनल रिकॉर्ड तैयार करो। अब फाइनल रिकॉर्ड का मतलब क्या बन गया भी, हमने ये जो डाटा तैयार किया है इससे हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी तैयार करना है और हमने इसकी बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार होगी और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा, तो
तो ट्रेडिंग काउंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, भी हम एबीसी ट्रेडर्स की बुक तैयार कर रहे हैं ट्रेडिंग काउंट। तो सबसे पहले हमें 12% गुड्स का और 18% गुड्स का कितना कितना हमने परचेज किया हुआ है। तो हमने 12% का ओपनिंग हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको जीरो करेंगे, ठीक है। परचेज हमने 12% वाला कितना किया है, तो ये देखो गुड्स 12%, तो ये हमारी परचेज है। तो ये जो परचेज की अमाउंट है ये हमारी इस परचेज वैल्यू के अंदर लिखी जाएगी। सेल अभी तक हमने करी नहीं है क्योंकि हम खाली उसी वाउचर को लेके चल रहे हैं। तो जितना हमारा परचेज था उतना का उतना ही हमारे पास अभी भी स्टॉक बचा हुआ है, तो प्रॉफिट अभी हमारे पास आएगा नहीं। इसी तरीके से 18% का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं है, परचेज हमने किया था 18% का 33,375.42 का, और ये हमारा परचेज है और ये हमारा स्टॉक आ जाएगा क्योंकि सेल अभी तक हमने करी नहीं, तो प्रॉफिट हमारा इसके अंदर भी नहीं आएगा। तो अब आपका जो फाइनलाइजेशन के अंदर पहला स्टेप हमारा था ट्रेडिंग काउंट का, वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की। अब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर आपके टोटल कितनी इनकम, टोटल कितने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अभी तक हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं है, तो हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो सबसे पहले सेंड्री क्रेडिटर्स, यानी कि आपने कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट अभी करना है। तो हमने रेजर क्रिएट किए थे तो हमारा जो सप्लायर्स था विजय ट्रेडिंग कंपनी, इसको हमें पेमेंट कर दिए 1,03,693 रुपये की, ठीक है। तो हमारा विजय ट्रेडिंग कंपनी और इसकी अमाउंट्स जो बैलेंस हमारा पेबल है इसको हम क्रेडिट करेंगे, ये हमारी लायबिलिटी साइड आ रही है। उसके बाद में GST 12% का स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो 12% का स्टॉक हमारे पास ये बचा हुआ है, इसको हम एक बार कॉपी करेंगे और 12% को जानेंगे। इसी तरीके से 18% का स्टॉक भी हमारे पास बचा हुआ है, तो ये 18% का भी स्टॉक हम यहाँ लिखेंगे। अब आपका टैक्स का इनपुट आपके पास कितना आ रहा है, तो हमें लेजर से पता चलेगा। ये हमारा लेजर है 6,448.97 रुपये का, और सेम हमारा SGST का भी बैलेंस आ रहा है। तो अब इन सभी का हम टोटल करेंगे, तो टोटल आपको करना है कि इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर ये ऑटो सम का ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो 1,03,693, और इस साइड का भी हम टोटल करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो दो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो आपका टोटल बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अगर आपने थोड़ी बहुत कोई गलती कर दे हुए तो ये आपका बैलेंस है जो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो आएगा। आई होप कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको पता चल गया भी जर्नल इंट्रीज का मतलब क्या हो गया, लेजर क्रिएट का मतलब क्या हो गया, GST इम्पैक्ट का मतलब वाउचर को देख के, अगर ये सेल वाउचर होता तो ये हमारा आउटपुट होता, ठीक है। लेजर क्रिएट करने के बजाय जो हमने क्रेडिट किया था वो लेजर हमारे डेबिट हो जाते, और जो डेबिट किया था उनको हम क्रेडिट कर देते, और फाइनलाइजेशन रिकॉर्ड के अंदर हमारी बैलेंस शीट है जो ये बन गई। अब हम इसी वाउचर को अगर हम एज ए सेल मान के चले, यानी कि ये वाउचर मान लीजिए हमारा ये सेल है और हम इसकी बुक्स मान के चल रहे हैं विजय ट्रेडिंग कंपनी की, तो अब विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से अगर हम इसको बुक्स मान के चल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे पास बुक्स के अंदर क्या आने वाला है कि हमने गुड्स जो सेल किए, अब यहाँ पर हम किसको सेल कर रहे हैं, ABC को, तो हम ABC ट्रेडर्स के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, जितने का इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू कितनी है 1,03,693 रुपये का, तो 103,693 रुपये से इसको डेबिट करते हैं। और ये जो हमारी सेल है टू GST 12% की सेल और टू GST 18% की सेल, फिर टू CGST टैक्स और टू SGST टैक्स, ठीक है ना। अब ये जितने हमने इस मतलब जर्नल एंट्री के अंदर अभी हमने जो परचेज की जर्नल एंट्री तैयार करी थी, इसके अंदर जिन जिन लेजर को हमने डेबिट किया था वो लेजर तो हो जाएंगे सारे क्रेडिट आपके, ठीक है। और जो क्रेडिट के लेजर हमने किया था, अब यहाँ पर तो विजय ट्रेडिंग कंपनी गुड्स परचेज किए तो इसलिए हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट किया था, लेकिन अब हम सेल कर रहे हैं तो सेल की इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, जिसको हमने सेल किया है उस पार्टी को डेबिट कर देंगे, और जो परचेज थे हमारी वो अकाउंट हमारे सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेल हमारी टोटल है जो क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। और उसके बाद हमने बैलेंस शीट की अगर हमने बात करते हैं
तो बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या किया था, भी ये जो सेल है, क्योंकि अभी स्टॉक हमारे पास नहीं है, ये सेल थी हमारी, तो ये सेल क्या आ जाती हमारे पास इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या इस सेल के अंदर आ जाती, और परचेज अगर हमारे पास नहीं है तो ये सारी की सारी टोटल हमारी इनकम मानी जानी थी और ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट एड हो जाता, और उसके बाद में आपके इधर कैपिटल बढ़ जाती और इधर आपका सेंडरी डेबिटर्स का बैलेंस है जो वो बढ़ जाता, और ये जो आपके टैक्स के जो कॉलम है CGST, अभी हमने डेबिट साइड में लिखा है तो वो हमारे क्रेडिट साइड के अंदर आ जाती। आई होप कि आप इस वाउचर को देख के, अगर आपको किसी इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है जो उनको बता दोगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो और भी लगातार मिलती रहेगी। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।